कोरे जानने से काम हो जाएगा, करना कुछ भी नहीं है। यदि कुछ भी नहीं करना है तो काम होगा कैसे? एक एक प्रश्न आजकल बहुत चलता है मुमुक्षुओं गैर मुमुक्षुओं में। वो मुमुक्षुओं पर यही आरोप लगाते हैं, ये तो अकेले जानने की बात करते हैं और करना है, धरना तो कुछ है नहीं। यानी वो समझते हैं व्रत उपवास करें, दान दें, पूजा पाठ करें तो ये करना है और ये पढ़ना है, ये अकेले जानना है। तो वो कहते ये हमें दो ही धर्म करना है, तो ये पढ़ लिया, स्वाध्याय भी कर लिया एक घंटा और बाकी भी कर लिया और पांच इंद्रियों के विषयों का त्याग भी कर दिया। तो वो कहते हैं कि आत्मा का मुख्य काम तो अकेला जानना ही। वो कहता है कि जानना ही ये काम हो जाएगा तो और कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो कहते आत्मा का तो एक ही काम है और वो है जानना। क्योंकि जानने से तो जानने का काम होगा। वो कहते काम कैसे होगा? अब समझ, मतलब जानने के काम के को वो काम ही नहीं गिन रहा। बोले क्या जानने से जानने का काम होगा ये मानते हुए भी कहता, पर आखिर काम कैसे होगा? वो तो ये कहता है कि यहाँ से सामान बाहर ले जाना है, बाहर का सामान इधर आना है। अब ये तुम पूरी जानने जानने की बात करते रहोगे तो ये सामान वहाँ ले जाना है ना, फिर के डिब्बे में रखना पड़ेगा क्या नहीं, और वहाँ जाना पड़ेगा क्या नहीं, तुम इसकी बात ही नहीं करते हो। तो आचार्य क्या कहते हैं, कोरे जानने से काम हो जाएगा कि करना कुछ भी नहीं है, यदि कुछ भी नहीं करना है तो काम होगा कैसे? अरे भाई जानना भी तो एक काम है और आत्मा का तो एकमात्र काम जानना ही है, क्योंकि यह आत्मा परिघ में तो कुछ कर ही नहीं सकता। अपने सुपर प्रकाशक स्वभाव के कारण यह आत्मा पर को तो मात्र जान ही सकता है, पर में तो जानने के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। जानना एक काम नहीं, जानना एक काम नहीं, अपित क्या जानना एक काम नहीं माने, एक जानना भी काम है और दस काम है। तो कहते आत्मा का जानना एक काम नहीं है, अपितु आत्मा का काम तो एकमात्र जानना ही है। मुनिराज क्या करते जंगल में बैठे बैठे, करते काम नाम तो कुछ है नहीं, बस अपने बैठे रहते हैं आराम से। माने वो जानने का निरंतर काम करते हैं ना, तो वो ध्यान जिसे अपन बोलते हैं, असली काम तो वो ही है। मोक्ष तो उससे ही होगा, केवल ज्ञान तो उससे ही होगा। तो कहते भाई वो तो अंतर्भूत तक जानने से काम हो जाता है, अभी तुम 24 घंटा जानने की कहो, बात तुम ठीक कहते हो, अंतर मुहूर्त में ही होगा काम तो। लेकिन वो अंतर मुहूर्त तक लगातार जानना, 24 घंटे जानने का काम ही करेंगे और सब काम अपने काम में से निकाल के क्रॉस कर देंगे तब कभी वो आएगा। क्यों बाहुबली के लिए कहते कि मैं क्या खड़े ही रहूं, अपने और काम निपटा लूं, जानने तो अंतर मुहूर्त का काम है तो चाय जब कर लूंगा, तो एक साल में भी नहीं होता। आदिनाथ ऐसा सोचते ना तो उन्हें एक बरस में केवल ज्ञान हुआ था, कितना हुआ था, 1000 बरस में, 1000 बरस में भी नहीं होता। एकमात्र जानने का काम रखा तो भी लगातार अंतर मुहूर्त तक एक साथ जानना नहीं हुआ। पर हम तो और 50 काम अपने माथे पर ओढ़ करके, और वे काम कैसे जिनमें हमारा कभी कुछ चलता ही नहीं, जिनमें हमने कभी कुछ किया ही नहीं, जिसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते, वे काम अपने माथे पर रखकर और फिर कहते हम अब जानने का काम करेंगे कि वे तो तुम्हारे काम होने ही नहीं है क्योंकि तुमसे होते ही नहीं है, और ये जानने का काम और बिगड़ जाएगा। अब आप सोच इससे भी ये जानने का काम और बिगड़ जाएगा। जानना एक काम नहीं, अपितु आत्मा का काम तो एकमात्र जानना ही है ना, ब्लैक ब्लैक लाइन में है तुम्हारी किताब में देख रहे हो तो। एक बात और भी ध्यान देने योग्य है कि यहाँ आत्मा और परमात्मा
दोनों को जानने की बात कहकर यह भी कह दिया है कि आत्मा का स्वा और पर दोनों को क्या आत्मा स्वा और पर दोनों को जान लेता है, क्योंकि आत्मा स्वा है और परमात्मा पर है। कब कहते हैं कि हम तुमने तो पर को भी जानने की बात कही ना, तो हम अपने बाल बच्चों को जान लेंगे, हम बगीचा में घूम आएंगे, हम बम्बई देख लेंगे, जयपुर देख लेंगे। कहते नहीं, तो आप दो का कही ना, स्वा और पर, तो स्वा में अपने आत्मा को देखो और पर में परमात्मा को देखो, मैं तुम्हारे दोनों हो गए। हमें दो काम करने हैं तो भी बस तुम्हारा काम इतने महीने बढ़ जाता है, फिर भी तुम्हें इस दुनियादारी के कामों में जाने की तो बात ही नहीं है। देखो, इतना तत्व ज्ञान अपन वर्षों से इसका अभ्यास कर रहे हैं, है ना, वो बड़ी पक्की श्रद्धा के साथ कर रहे हैं, अभिनंदन जी कर रहे हैं ना, फिर भी हमारे चारों तरफ के वातावरण में सभी हम भी इसको काम नहीं मानते। आज तो हमने कुछ नहीं किया, बस वह पढ़ते रहे, दिन भर पढ़ते ही रहे, हमने कुछ नहीं किया। ये क्या है, ये हमारी भाषा क्या बोल रही, बोलो। घर वाले तो कहते ही हैं कि ये तो कुछ करते नहीं, एक गिलास पानी उठा के नहीं पी सकते। जिस दिन हम एक गिलास पानी उठा के पी लेंगे, उस दिन हम कुछ करने वाले हो जाएंगे। क्या दिन भर पढ़ते रहते, ऐसे पढ़ते रहने से थोड़ी काम हो जाता है। माने ऐसा कोई दूसरा नहीं, हम ही कहते हैं, ये कह रहे हैं, अपने बारे में कमेंट्स करते हैं। तो आज मैंने कुछ भी नहीं किया, क्या अब मैं आपको क्या बताऊं जाना, आज तो मैंने नहाया तक नहीं, पढ़ते ही रहा था। आने में इतना आलसी हूं, इतना नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने जिस दिन सब कुछ किया उसको कुछ नहीं किया में गिनते हैं, लेकिन हमारी श्रद्धा में अभी तक वो घुसा नहीं है कि आज ही मैंने कुछ किया है और बाकी के रोजाना मैं कुछ नहीं करता हूं। ये जो मैं आपको अंदाज लगवा रहा हूं अपने अपने लेवल पर सोच के, एक करना है? एक बात और विशेष ध्यान देने योग्य है कि आत्मा और परमात्मा दोनों को जानने की बात कहकर यह भी कह दिया है कि आत्मा स्वा और पर दोनों को जान लेता है, क्योंकि आत्मा स्वा है और परमात्मा पर है। इस तरह यह भी प्रतिफलित होता है कि मिथ्यात्व के नाश के लिए स्व आत्मा और पर परमात्मा दोनों को जानना अनिवार्य है। पर को जानने को निरर्थक बताने वाले लोगों को उक्त तथ्य पर भी ध्यान देना चाहिए। तीन तरह के लोग हैं, एक तो वो जो ये कहते हैं कि पर को आत्मा जानता ही नहीं है, और दूसरे वो जो कहते हैं कि पर को जानना बेकार है, उसे कोई काम का नहीं है, और तीसरे वे नहीं स्व और पर दोनों को ही जानना, समझे ना, पर को जानना बेकार नहीं, वो भी सार्थक है। तीन तरह के लोग हैं, अब आप उनमें कौन है, अब आप सोचना चाहिए। अभी तक डिसीजन नहीं किया होगा, तो अभी मैं थोड़ा आपको सहयोग करता हूँ डिसीजन करने में। जो कहते हैं कि पर को आत्मा जानता ही नहीं है, वो तो रिजेक्ट ही हो गया, क्योंकि यहाँ पर सुपर प्रकाशक आत्मा का स्वभाव है। फिर ये कहते हैं ये तो है कि जानता तो है, लेकिन बंद ही होगा, आत्मा की प्राप्ति तो उससे होगी नहीं। हम अभी ये कहा था ना, परमात्मा को जानेगा तो पुण्य बंधेगा, कहा था ना, ख्याल में आई ना, इसमें से वो ये निकालता है। जबकि पढ़ने को जानना बंध का कारण नहीं है, समझ में आया ना, ना दादा, ख्याल में आए, तो परस्पर विरोधी दो बातें सुन ली, पर को जानना बंध का कारण नहीं है, क्योंकि यदि पर को जानना बंध का कारण होगा तो वो स्वभाव नहीं हो सकता। स्वभाव बंध का कारण कभी नहीं होता, वो सुपर प्रकाशक आत्मा का स्वभाव है। तो फिर कौन सा पुण्य बंध कैसे होगा,
परमात्मा को जानने से, कि वो जो जानने का विकल्प है पुण्य बंध तो उससे होगा, वो जानने से नहीं होगा। सहज भाव से जो जानना स्वभाव है और उसमें वो जानने में आ जाए, उससे कोई ना पुण्य बंध होता है ना पाप बंध होता है। अब इसी वो जी लगेगा अभी पुण्य मिल रहा था वो भी गया, वो तो उसको उपलब्धि समझ रहा था, और हम तो इसलिए सफाई दे रहे हैं कि हम समझते हैं गले पड़ गया है, बंद बंद हो गया ना बंद। हम कह रहे बंद नहीं होगा, क्योंकि स्वभाव से कभी बंद नहीं होता। तो हमें तुम्हारा विधान करने से पुण्य भी नहीं बनेगा, धर्म तो गया ही, पुण्य भी नहीं बनेगा, नहीं बनेगा बंधे, आपको बंधना है ना, बनेगा बनेगा जरूर बनेगा, लेकिन उसमें तुमने कुछ किया ही नहीं, उसको करने का जो राग है उससे बनेगा। तो परमात्मा को जानने से नहीं बनेगा, परमात्मा को जानने का जो राग है उसी वक्त राग, उस राग से बनेगा। तो एक द्वेग जो पर को जानते ही नहीं वो गलत, और दूसरे जो ये कहते हैं कि पर को जानना बंध का कारण है वो भी गलत। पर को जानना तो स्वभाव है, अब वो क्या पर को जानना स्वभाव है, तो जैसे हम अंतर हुए तक आत्मा को जानते रहेंगे तो सम्मय दर्शन हो जाएगा, मिथ्यात्व का नाश हो जाएगा, ऐसे ही हम पर को जानते रहेंगे लगातार अंतर मुहूर्त तक, तब भी हो जाना चाहिए। तुम कहते तो नहीं होगा, पर क्यों, पर को जानने की जो रुचि है वो राग है। अब क्या कहते, जानना और जानने के साथ में उसको रुचि होना, उसे काम करने की भावना होना, वो दोनों में फर्क है। अब या तो हम उनको पूरा निषेध कर देते हैं जानने का है, और क्या हम ये कहते जानो, और या नहीं जानो कहते हैं, ये जानने से तुमको बंद होगा, फिर ये समझाने लगते हैं परमात्मा को जानने से भी पुण्य बंद होगा। उसको ये भूल जाते हैं परमात्मा तो क्या, आपको मैं क्या बताऊं, लेटरिन बाथरूम को जानने से भी बंद नहीं होता, क्या मतलब समझे ना मुनिराज, ईरिया समृद्धि पूर्वक चार हाथ देख के चलेंगे कि नहीं, तो रास्ते में कांटे माटे होंगे तो उसे देख के बचाएंगे, मन कीड़े तो बचाएंगे ही कांटे भी बचाएंगे, और मलमूत्र पड़ा होगा तो उसे देख के बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे, तो बिना देखे बचाएंगे कि देख के, तो उस वक्त देखने में वो आ गए, जानने में आ गए, कौन क्या आ गए, मलमूत्र लेटरिन, तो उसे कर्म बन जाएंगे। तो कैसी गंदी बात कर रहे थे, यहाँ तो भगवान की बात कर रहे थे, भगवान को जानते जानते लेटरिन की बात कर रहे थे, उन दोनों के परत्व होने में क्या फर्क है, समझे ना, भगवान भी पर है और लेटरिन भी पर है, इतने शर्म नहीं आती है, क्या तुलना कर रहे, अरे ये वस्तु का स्वरूप है, ये कोई गंदी बात नहीं है। फिर तो ऊपर अमल मल भरे हो भीतर कौन विधि घट सुच कहे, ये भी गंदी बात हो जाएगी, लेकिन ये तो आप पूजा पाठ में बढ़ाते हो, वही पूजा करोगे तो पुण्य का बंध होगा है, ये पंक्ति बोल के जग्गा गा के भैया पूजन करोगे तो पुण्य का बंध होगा, बोलते कि नहीं बोलते, तो ये भी तो मलमूत्र की बात है। देखो बहुत अच्छी अच्छी बातें ये लिखी हैं, हाँ तुम्हें घर पे शांति से बैठ के पढ़ने लायक बातें हैं, क्या हाँ, उनको जानने में रस होगा तो गारंटी से होगा उस रस से बंद, लेकिन रस नहीं है, वे जानते नहीं, उनके जानने में आ जाते हैं, वे जानने जाते नहीं है, उन्हें जानने का कोई विकल्प नहीं है, है ना। पर के जानने को निरर्थक बताने वाले लोगों को उक्त तथ्य पर ध्यान देना चाहिए। ये जो मैं इसका अर्थ कर रहा हूँ जो इसमें लिखा है कि उसको जानने से उसका निरर्थक नहीं है,
वो परमात्मा का जानना तो आत्मा को जानने के लिए जरूरी था, निरर्थक कहाँ था। जो जानती अरहंतम दब्बत गुणत पजते ही सो जानती अपाणो अपाणम मोहो जादि खलु तस् लयम, तो ये उसके जानने के लिए जरूरी था। अभी कहाँ है निरर्थक, ये अरहंत का जानना निरर्थक है क्या, सार्थक है ना, बता रहे ये काम हो गया तेरा पर कदम आत्मा को जानने के लिए। अब तू तो उनमें ही जम के रह गया, जय जयनाथ परम गुरु होकर के जान लिया ना तुमने अनंत के स्वभाव को, सर्वज्ञता को जान लिया है, तो अब अपने अपना काम कर अपने में जा। तो कहते नहीं मैं जानूंगा तो मैं ढाई घंटे का तीन घंटे का विधान करूंगा, बढ़िया भगवान तुम्हारी स्तुति करूंगा, ये करूंगा ये करूंगा, एक 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 गुण है। गुण भेद में जाना तो विकल्प है। मोह के नाश के लिए सुनो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति के लिए परमात्मा को मात्र जानना है। देखो जानने के अलावा कुछ नहीं करना है, क्योंकि वे तो हमारे मात्र गेय हैं और कुछ नहीं। ध्यान रहे यहाँ यह नहीं लिखा है कि उन्हें जानना भी नहीं, क्योंकि वे पर हैं। अभी याले निकल लेके तुम मना कर रहे थे, मना क्या कर रहे हैं, जानना तो है लिखा है लेकिन जानते नहीं रहना है, समझे ना। जानकर अपने को जानना और अपने को जानकर उसमें जमना। यहां तो उन्हें जानने की बात डंके के चोट पर लिखी है और उन्हें जानने का फल आत्मा को जानना बताया है, अकेला बंदे ही नहीं बताया है, समझे ना। आत्मा के जानने पर मोह का नाश होता है, इस प्रकार प्रकारांतर से अरहंत के जानने को मोह के नाश का उपाय भी बताया गया है। एक आदत लगा दो है ना, इसलिए तो उसे उपचार बोलते हैं, एक डायरेक्ट एक उपचारित कथन। आत्मा का कार्य मात्र जानना है, देखो पढ़ने लगा कहाँ पढ़ रहे अपन है, स्वपर को जानना है आत्मा, इसलिए मात्र जानो 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 और जानो। पर को जानो, स्वा को जानो, स्वपर को जानो, पर से भिन्न स्वा को जानो, जानो जानते रहो, अपने को अपना मानकर जानते रहो, लगातार जानते रहो और कुछ भी नहीं करना है। इसी से सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और चारित्र सभी हो जाएंगे, और न केवल दर्शन मोह का अपितु चारित्र मोह का भी नाश हो जाएगा। तुम स्वयं पर्याय में भी भगवान बन जाओगे, स्वभाव से तो भगवान हो ही, पर्याय में बनना है सो इसी स्व को जानते रहने से पर्याय में भी भगवान बन जाओगे, सर्वज्ञ वैरागी हो जाओगे। ये देखो ये छह लाइन नवोकार मंद से भी ज्यादा महिमा वाली है। रोजीना 108 दफे इसका पाठ करना चाहिए है? और ये पागलपन में नहीं लिखी है, जानो जानो फिर जानो फिर जानो फिर एक एक जानो में उसका बिल्कुल विशिष्ट अलग अर्थ है, है? क्या देखो फिर पढ़ता हूं, अब ध्यान से सुनना। आत्मा का कार्य मात्र जानना है, फिर इसी का अर्थ कर रहे स्वपर को जानना है। जानना माने ऐसा नहीं अकेले स्व को जानना कि अकेले पर को जानना, स्वपर को जानना है। इसलिए मात्र जानो माने फिर और आगे मत बढ़ो, उसमें राग मत करो देश मत करो, समझे ना। जानो जानो और जानो, तीन दफे जानो जानो लिखा माने जानते रहो और जानो, पर को जानो, स्वा को जानो, स्वपर को जानो, पर से भिन्न स्वा को जानो, जानो और जानते रहो, अपने को अपना मानकर जानते रहो, लगातार जानते रहो और कुछ भी नहीं करना है। इसी से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सभी हो जाएंगे, और न केवल दर्शन मोह अपितु चारित्र मोह का भी नाश हो जाएगा। तुम स्वयं पर्याय में भी भगवान बन जाओगे, स्वभाव से तो भगवान हो ही,
पर्याय में बनना है तो इसी प्रकार स्व को जानते रहने से पर्याय में भी भगवान बन जाओगे, सर्वज्ञ वीतरागी हो जाओगे। इस प्रकार यह सुनिश्चित हुआ कि मोह के नाश का उपाय एकमात्र निज भगवान आत्मा को जानना है, ये नक्की हो गया। और अधिक आगे जाए, देखो सुनो क्या है, अपने आत्मा को जानना है और अधिक आगे जाए तो इसमें द्रव्य गुण पर्याय से परमात्मा के स्वरूप को जानना भी शामिल कर सकते हैं। अनंत को भी द्रव्य गुण पर्याय से जानो, ये भी कर सकते हैं। इससे आगे बढ़ना तो उपचार में उपचार होगा, ये भी उपचार है। कौन? अनंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानना। निश्चय क्या है? अपने को जानना। उपचार क्या है? अनंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानना। अब और कुछ जानना वो उपचार में उपचार हो, उसके लिए समय सार पढ़ना, ये उपचार में उपचार हो गया। समझ गया? फिर आगे जितने बढ़ते जाओगे फिर उसके लिए समय सार खरीदना, फिर उसके लिए समय सार छपाना, क्यों? ये सब धर्म होते जाएंगे ना, उपचार में उपचार में उपचार में उपचार में, तो ये उपचार में उपचार होता जाएगा ना, इसकी क्या दुर्दशा होती है जानते आप? देखो मैं बताता हूँ आपको कि अपने मामा हैं, और मामा के साले कौन है? क्या बोलते हैं अपन, सब बोलो। बुंदेलखंड में क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं, और जगह जहाँ जहाँ के ही लोग यहाँ बैठे हों, अपने मामा और मामा के साले को भी मामा बोलते हैं ना, लेकिन ये हो गए निश्चय मामा और वे हो गए उपचार मामा। फिर उस साले के साले क्यों, फिर क्या बोलेंगे? तो उसे भी मामा ही बोलेंगे और क्या करेंगे। तो एक हो गए निश्चय मामा, एक हो गए उपचरित मामा, और दूसरे हो गए उपचरित में उपचरित मामा, तो उनके साले ऐसे 10 लगाओ, उनके साले उनके साले उनके साले उनके साले, तो जितने ही उपचरित में उपचरित उपचरित में उपचरित, आखिर अंत में वे कुछ नहीं रहेंगे। क्या छोड़ो, बंद करो, माथा खड़ा मत करो। फिर आप ही कहने लगोगे कौन से आपकी रिश्तेदारी है, काय की रिश्तेदारी है, हमारे मामा के साले के साले के साले हैं, काय की रिश्तेदारी ऐसी कहें। फिर बाद में तो कहने लगोगे है ही नहीं, आखिर एक जगह तो ऐसी आएगी ना। उपचार का वजन निरंतर कम होता जाता है कि हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है। और वास्तव में तो अपन अभी हिंदी प्रांत का उदाहरण लगा लेना समझने के लिए, महाराष्ट्रीय गौड़ हो जाना कि अपने मामा की लड़की से तो अपन शादी नहीं कर सकते हैं, ये तो नक्की है ना। हिंदी प्रांत में वो बहन है, पर लेकिन मामा के साले की लड़की से यदि गोत्र बचता हो तो कर सकते हैं, समझ गया? तो इसका मतलब असली बात तो यही खत्म हो गई, असली मामा ही तक खत्म हो गई ना। हमने जिसे उपचार से मामा कहा था वो मामा तो निकला ही नहीं, क्योंकि उसकी लड़की तो हमारी बहन हुई नहीं, और उससे तो हम शादी कर सकते हैं, समझ गया? तो हमारे व्यवहार में भी निश्चय है, भले ही हम उसे मामा कह देंगे लेकिन मामा मानते नहीं है, और फिर ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जाए तो कुछ मतलब ही नहीं है। इस प्रकार यह सुनिश्चित हुआ कि मोह के नाश का उपाय एकमात्र निज भगवान आत्मा को जानना है, और अधिक आगे जाए तो इसमें द्रव्य गुण पर्याय से परमात्मा के स्वरूप को जानना भी शामिल कर सकते हैं। इससे आगे बढ़ना तो उपचार में उपचार होगा। शायद तुम घर पर पढ़ते तो इसका पूरा अर्थ नहीं समझ पाते, अब तो समझ लिया ना, अब तो आना चाहिए। प्रश्न, ये जो बातें ये पढ़ पढ़ के सुनाए तो अच्छी आता है, क्योंकि इतने मौखिक में ध्यान नहीं रहे, याद नहीं रहती हैं, लेकिन हम अभी भरी सभा में 1000 आदमी बैठे हों तो नहीं कर सकते ऐसा, अभी तो अपने विद्यार्थी हैं तो कर सकते हैं अपन। आत्मा और परमात्मा की पर्याय में कोई अंतर नहीं है, यह बात गले नहीं उतरती, क्योंकि हम कहाँ रागी देसी और अल्पज्ञ, और वे
कहां वे वीतरागी सर्वज्ञ और तुम कहते अंतर नहीं है। हमारी और उनकी पर्याय में जो अंतर है वह तो आपको स्पष्ट दिखाई दे ही रहा है, और उक्त अंतर को समाप्त करने के लिए ही अपना यह सब पुरुषार्थ है। अब रही बात अंतर नहीं होने की, सो यहाँ जो द्रिगुण पर्याय का स्वरूप बताया है उससे यह बात स्पष्ट है कि अन्वय सो द्रव्य, अन्वय का विशेषण गुण और अन्वय का व्यतिरेक पर्याय है। है और है निरंतर होते रहने का नाम अन्वय है। सत्ता स्वरूप वस्तु निरंतर ही विद्यमान रहती है। भगवान आत्मा भी सत्ता स्वरूप वस्तु है और वह भी अन्वय रूप से निरंतर रहता है, इस कारण द्रव्य है वो। हम द्रव्य क्यों हैं? हैं और हैं इसलिए द्रव्य हैं, है ना। अन्वय रूप से विद्यमान वस्तु की अन्वय रूप से रहने वाली जो विशेषताएं हैं वे गुण हैं। हम में ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान भी अन्वय रूप से रह रहा ना लगाता है। भगवान के ज्ञान, आत्मा के ज्ञान दर्शन आदि गुण आत्मा में निरंतर रहते ही हैं। विगत पर्याय में वर्तमान पर्याय का नहीं होना ही अन्वय का व्यतिरेक है। द्रव्य और गुणों के समान अन्वयों के व्यतिरेक भी अरहंत के समान अपने आत्मा में सदा रहते हैं। जिस प्रकार अरहंत भगवान की पर्याय प्रतिसमय पलटती है, उसी प्रकार हमारी पर्याय भी प्रतिसमय पलटती है। पर्याय का स्वभाव ही पलटना है, वस्तुतः पलटने का नाम ही पर्याय है। और आत्मा और परमात्मा के समान है, और जो आत्मा और परमात्मा में समान है उनकी भी पलटती रहती है। सिद्ध हो गए तो उनकी भी पलटती रहती है प्रतिसमय। प्रश्न बहुत प्रश्न है, यदि आप कहते हो कि हम अरहंत भगवान को द्रिगुण पर्याय से समझ लेंगे और अपने आत्मा को भी उसी प्रकार समझ लेंगे, पर इससे मोह का नाश कैसे हो जाएगा? वो समझता मोह तो वहां अलग बैठा है और यहाँ तो समझ में ही काम हो रहा है, हमने ये समझ लिया कि ये हमारा मामा है, तो ऐसा समझने से हमारी शादी कैसे हो जाएगी? वो शादी होने को काम मानता है, उधर काम मोह का नाश कैसे हो जाएगा? यानी उसकी समझ में ये नहीं आता कि हम ऐसे चुपचाप यहाँ बैठे समझते रहेंगे तो इससे हमारा काम हो जाएगा, उसकी समझ में ये नहीं आता है ना। देखो मात्र समझने से मोह का नाश हो जाएगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा। दृष्टि के विषयभूत अपने त्रिकाली ध्रुव आत्मा को सही रूप से समझ लेने पर यह भी समझ में आ जाएगा कि यह त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा मैं ही हूँ, अन्य कोई नहीं। यह स्पष्ट हो जाने पर जब तक जिन देहादि पर पदार्थों में और रागादि विकारी भावों में अपनापन था वह नियम से टूट जाएगा। अब वो टूट गया, वो मुहे का नाश होना है। पर और विकार में अपनेपन का नाम ही मुह है, मिथ्यात्व है, और अपने त्रिकाली ध्रुव आत्मा में अपनेपन का नाम ही मुहे का नाश है, सम्मान दर्शन है। अब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जी हमने समझ ली कि ये मेरे पिताजी नहीं है, हमने पहले पिताजी समझ दिया था, तो वो कहता ऐसे समझ लेने से अज्ञान का नाश कैसे हो जाएगा? अरे ये अज्ञान था कि उसे मैंने पिताजी मान लिया था, और इस अज्ञान का नाश नहीं हुआ। अब ये समझ लेंगे कि मेरे पिताजी नहीं है तो ये अज्ञान था, इसका नाश हो ही गया है ना, अलग से क्या नाश होना है? हैं? अतः यह स्पष्ट ही है कि पर और विकार से अपनापन टूटते ही तथा अपने ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा में अपनत्व आते ही मोह का नाश होना, मिथ्यात्व का नाश होना, सम्यक दर्शन का प्राप्त होना अनिवार्य ही है। एक प्रकार से परस में से अपनत्व टूटना और मोह का नाश होना एक ही बात है। इसी प्रकार अपने में अपनापन होना और सम्यक दर्शन होना एक ही बात है। वस्तुतः बात यह है पर से अपनत्व टूटने और मोह के नाश होने का एक काल है। उक्त दोनों कार्य एक समय में ही होते हैं, दो कार्य ही नहीं है, कार्य ही एक है। जब मिथ्यात्व रूप दर्शन मोहिनी कर्म का उदय होता है तो आत्मा में परमे अपनत्व रूप मिथ्यात्व भाव होते हैं, और जब परमे अपनत्व रूप मिथ्या भाव होते हैं तो उनके निमित्त से मिथ्यात्वादि द्रव्य कर्मों का बंध होता है।
यह दुष्चक्र ही मोह की प्रबल ग्रंथि है, गांठ, देखिए मोह की गांठ है ना, जो अरहंत भगवान को द्रिगुण पर्याय से जानकर उसी प्रकार अपने आत्मा को जानने से शिथिल होती है, पर से भिन्न अपने आत्मा में अपनापन स्थापित होकर अपने आत्मा में ही रमने जमने से टूटती है, फूटती है, नष्ट होती है। कहते ग्रंथि भेद, तो ग्रंथि भेद का ये उपाय है। अब ये अपनी 81वीं गाथा, कल अपन 81वीं गाथा चलाएंगे।